आपको सिखाऊंगी किस तरीके से करते हैं वातायनासन का अभ्यास, या इंग्लिश में इसे फ्लाइंग हॉर्स पोज कहते हैं। इस आसन का अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो आपको गजब के बेनिफिट्स मिलते हैं। योगियों को तो ये आसन बेहद पसंद है, क्योंकि इस आसन का अभ्यास निरंतर करते रहने से ओज और तेज ऊर्ध्वमुखी होते हैं, ब्रह्मचर्य का नाश नहीं होता, ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे? आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे किस तरीके से इस आसन का अभ्यास किया जाता है, इस आसन के बेनिफिट्स क्या हैं, सावधानियां क्या हैं और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले जान लेते हैं इस आसन का अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो इससे आपको क्या लाभ मिलेंगे, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। योगियों को ये आसन बड़ा ही प्रिय होता है। क्यों? क्योंकि इस आसन का अभ्यास अगर आप करते रहते हैं तो ओज और तेज ऊर्ध्वमुखी होते हैं, ब्रह्मचर्य का नाश नहीं होता और साथ ही काम विकार से आप दूर रहते हैं। इस आसन का अभ्यास करते रहते हैं तो आपकी ऊर्जाएं जो हैं संरक्षित रहती हैं, बची हुई रहती हैं और आपकी ऊर्जाएं जो हैं ऊर्ध्वगामी होती हैं। बल्कि इसका अभ्यास निरंतर करते रहते हैं तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर इसका गजब का इम्पैक्ट पड़ता है। पुरुषों में अंडकोश यानी टेस्टिकल्स से रिलेटेड समस्याएँ जैसे हाइड्रोसिल वगैरह हो जाए, या कि फिर एनलार्ज प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है उसमें बहुत मदद मिलती है। साथ ही महिलाओं की यूट्रस को बहुत गहरा मसाज मिलता है तो पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर इसका गजब का इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। हिप्स ओपन हो जाएंगी, आपकी थाई के आसपास जो कड़ापन है वो दूर होगा, आपके घुटने फ्लेक्सिबल होंगे, घुटने के आसपास की जो ज्वाइंट्स की मसल्स हैं उनमें मजबूती आएगी, आपकी एंकल्स मजबूत हो जाएंगी, आपके पैर के पंजे की जितनी भी मांसपेशियां हैं ना उनमें मजबूती देखने के लिए मिलेगी। साथ ही शोल्डर्स की स्ट्रेचिंग अच्छी तरीके से होने से शोल्डर्स के अराउंड जो स्टिफनेस है उसको भी आप दूर भगा सकते हैं। आप पहले से और भी ज़्यादा फोकस्ड महसूस करेंगे, एकाग्र महसूस करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होगा। साथ ही मन जो इधर उधर भटकता रहता है ना उसको एकाग्र करने में, उसको एक जगह पर लगाने में बहुत मदद मिलेगी, जिससे कि आप जो है अपने काम में बहुत उन्नति हासिल कर सकते हैं। तो जरूर इस आसन का अभ्यास आपको निरंतर करते रहना चाहिए। चलिए सिखाती हूँ किस तरीके से करेंगे इस आसन का अभ्यास। लेकिन अभ्यास करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस अभ्यास को किन लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर आपको पैरों में किसी भी तरीके की चोट लगी है, इंजरी है, या कि किसी भी तरीके का कोई घुटनों का ऑपरेशन है तो इस अभ्यास को ना करें। अगर आपके शोल्डर में किसी भी तरीके का दर्द है तो हाथों को जिस तरीके से मैं अभी बताऊंगी लपेटने का काम वो ना करें। अगर आपको चक्कर आते हैं, मिर्गी की समस्या है तो भी इस आसन का अभ्यास आपको नहीं करना है। तो इस आसन का अभ्यास करने से पहले हम करेंगे प्रिपरेशन, कुछ प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस, ताकि इस आसन को बहुत आसानी से किया जा सके। और जो लोग इस आसन का अभ्यास ना कर पाए वो अपने बॉडी को तैयार करें। तो सबसे पहले इम्प्रूव करेंगे अपने शोल्डर्स के, अपने कंधों के अराउंड की फ्लेक्सिबिलिटी। तो उसको करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को इस तरीके से बॉडी के सामने स्ट्रेच करना है, दोनों हाथों को ऐसे कंधे के ऊपर रखना है इस तरीके से, और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने एल्बोस को इस तरीके से छत की तरफ उठाना है, सांस लेना है और सांस ऐसे छोड़ देना है, सांस लेना है और सांस को छोड़ देना है। तो इसका अभ्यास आपको 10 टू 15 टाइम्स ज़रूर करना है, और हर दिन इसका अभ्यास जो व्यक्ति करता रहता है ना तो उसको कभी भी कंधे का दर्द, सर्वाइकल का पेन, फ्रोजन शोल्डर की समस्या, शोल्डर स्टिफनेस की समस्या बिल्कुल नहीं होती, और गर्दन के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो भी मजबूत होती है। सिर्फ सांस लेना है ऐसे ऊपर की तरफ और सांस छोड़ना है नीचे की तरफ, सांस लेना है ऊपर की तरफ और सांस छोड़ना है नीचे की तरफ। फिर उसके बाद क्या करना है, दोनों एल्बोज को एक दूसरे के साथ जोड़ देना है, ऐसे एल्बो को जोड़े साथ में, सांस लें ओपन करें, दोनों एल्बोज को एक दूसरे से दूर करें, चेस्ट को ओपन करें और सांस छोड़ दें, सांस ले लें और सांस छोड़ दें। किसी भी आसन के अभ्यास के पहले आपको प्रिपरेशन करना बेहद ज़रूरी है।
इससे क्या होता है, बॉडी आपकी गर्म हो जाती है, वार्म हो जाती है, आपके जॉइंट्स जो हैं और अच्छी तरीके से फ्लेक्सिबल होते हैं, उनके आसपास का कड़ापन कम होता है और उस आसन को करने के दौरान आपको इंजरी के चांसेस यानी चोट लगने के चांसेस, नस खींचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब इसके बाद तीसरा अभ्यास, दोनों एल्बोज को ऐसे जोड़ने के बाद कंधे को पूरी तरीके से 360 डिग्री इस तरीके से घुमाएंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। इसका भी अभ्यास 10 से 15 बार आपको कर लेना है, ऐसे इस तरीके से, ऐसे सांस लीजिए सांस छोड़िए। अब जब एक डायरेक्शन में घुमा लें तो दूसरी डायरेक्शन में भी इस तरीके से सांस लीजिए सांस छोड़िए, सांस लीजिए सांस छोड़िए, ऐसे पूरा 360 डिग्री। ऐसे नहीं कि हाथ दूर हो और ऐसे छोटा छोटा चक्कर बना रहे हैं, ऐसे नहीं, पूरा बड़ा चक्कर बनाएं इस तरीके से ताकि कंधे के आसपास की जो स्टिफनेस है वो कम हो जाए। और ये करने के बाद फिर हाथों को ऐसे ढीला छोड़ें, इस तरीके से ढीला छोड़ दें, ज़रा गर्दन के आसपास भी चिन को कॉलर बोन की तरफ ड्रॉप करें, सांस लें छत की तरफ देखें, सांस छोड़ें नीचे, सांस लें छत की तरफ देखें, सांस छोड़ें नीचे। इसका भी अभ्यास 5 to 7 राउंड्स कर लें ऐसे। फिर उसके बाद चेहरे को राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड ऐसे घुमा लें। अब दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के साथ फंसाएं, टर्न योर पाम्स आउट और स्ट्रेच करें इसको अपनी छाती के सामने, कंधे और गर्दन सब खींच जाएं, स्ट्रेच करें स्ट्रेच करें स्ट्रेच करें स्ट्रेच करें ऐसे। फिर इसके बाद दोनों हाथों को बॉडी के पीछे एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ लें, शोल्डर्स को रोल बैक करें और हाथ को सर अपनी बॉडी के पीछे ले जाते हुए ऐसे स्ट्रेच करें स्ट्रेच करें स्ट्रेच करें स्ट्रेच करें स्ट्रेच करें। फिर उसके बाद दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे एक दूसरे के साथ फंसा लें और छत की तरफ ले जाते हुए इस तरीके से स्ट्रेच करें, ऐसे स्ट्रेच करें स्ट्रेच करें स्ट्रेच करें स्ट्रेच करें स्ट्रेच करें और फिर उसके बाद हाथों को ढीला छोड़ दें। तो इस तरीके से आप कंधों के अराउंड इतना ही अभ्यास करने मात्र से बड़ी ही आसानी से आप महसूस कर पा रहे हो कि कितना खुला खुलापन महसूस हो रहा है। अब मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगी कि किस तरीके से करेंगे आप ईगल आर्म स्ट्रेच, क्योंकि हम जब आसन का अभ्यास अभी करेंगे ना उसके बीच में आपको करना होगा। तो सबसे पहले अपर बॉडी की प्रैक्टिस, तो अपने राइट हाथ को इस तरीके से एल्बो से मोड़ लें ऐसे, फिर उसके अंदर लेफ्ट बाजू को ऐसे फंसा दें इस तरीके से। ऐसे फंसाने के बाद फिर दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ ऐसे रैप कर दें और अभी देखिए एल्बो नीचे है ना, हल्का सा एल्बो को उठाएं सीलिंग की तरफ इस तरीके से, ऐसे एल्बो को उठाएं 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 और फिर रिलीज कर दें। तो ये अभ्यास जब एक तरफ कर लें तो दूसरी तरफ भी करना ज़रूरी है। इस तरीके से अपने लेफ्ट हाथ को एल्बो से मोड़ा और उसके अंदर दाहिने हाथ को फंसाते हुए दोनों को रैप कर लें और फिर उसके बाद एल्बो को आप 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 ऐसे खींचें 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 और फिर उसके बाद ढीला छोड़ दें। तो इस अभ्यास को कम से कम 3-3 बार करना है राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो इससे आपके शोल्डर्स जो है बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव हो जाएंगे। अपर बॉडी पर काम कर लिया है, अब हम लोअर बॉडी पर काम करेंगे। तो दोनों पैरों के बीच में अपनी हिप जितना फासला कर लिया है आपने, अब अपने दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के साथ फंसाएं, सर के ऊपर रखें, टर्न योर पाम्स अप टुवर्ड्स द सीलिंग एंड स्ट्रेच योर बॉडी अप, ताड़ासन स्ट्रेच इस तरीके से ऐसे, और फिर उसके बाद ड्रॉप कर दें। तो इसका अभ्यास 5 to 7 टाइम्स करें, सांस लें और सांस छोड़ें, सांस लें और सांस छोड़ें ऐसे। अगर हाथ को ऊपर खींचते वक्त आपको डर लग रहा है कि गिर जाएंगे तो दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखें, एज यू इनहेल हील्स अप, एज यू एक्सहेल हील्स डाउन, एज यू इनहेल हील्स अप, एज यू एक्सहेल हील्स डाउन, एज यू इनहेल हील्स अप, एज यू एक्सहेल हील्स डाउन। फिर उसके बाद पैरों को ऐसे ढीला करें, लूजन करें ऐसे ऐसे इस तरीके से, लूजन करें लूजन करें। अब हम अभ्यास कर रहे हैं उत्कटासन, डायनामिक उत्कटासन। तो अब क्या करें, दोनों पैरों को के बीच में वैसे ही कमर जितना फासला रखें इतना इस तरीके से, फिर उसके बाद सांस लें और जैसे पीछे कुर्सी पे बैठते ना उस तरीके से सांस छोड़ते हुए
पेट को अंदर की तरफ खींचें और फिर उसके बाद खड़े हो जाएं। सांस लें, सांस छोड़ें, सांसों को रोकें, फिर उसके बाद सांस ले लें। इनहेल एक्सेल रिटेन एंड इनहेल। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस रोकें और फिर सांस ले लें। इसका भी प्रैक्टिस आपको 5 to 10 टाइम्स जरूर करना है। फिर से देखें, सांस लें, छोड़ें, रोकें और फिर सांस ले लें। तो इस तरीके से उत्कट आसन का अभ्यास आप कर लें। अब अगला जो आसन का अभ्यास बताऊंगी, इससे आपके पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी, जिसका कि नाम है भगीरथ आसन। ये कुछ कुछ आपको वृक्षासन की तरह लगेगा, लेकिन ये आसन उस आसन से अलग है। तो आप क्या करेंगे, अपने दाहिने पैर को उठाएंगे, बॉडी का वेट लेफ्ट पैर पर, राइट फुट को उठाएंगे, लेफ्ट पैर पर शिफ्ट करेंगे, ऐसे धीरे 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 धीरे। अब इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप की नज़र जो है वो सामने हो, मतलब ऐसे सामने नीचे देखेंगे या इधर उधर देखेंगे ना तो तुरंत गिर जाएंगे। तो आप एक पॉइंट पर अपनी नज़र को फिक्स कर दें, फिर उसके बाद अपने नज़र को फिक्स करने के बाद अपने पैर को उठाया और फिर उसके बाद अपने राइट फुट को ऐसे घुमाते हुए अपनी लेफ्ट थाई के ऊपर रख दिया, इस तरीके से ऐसे, और फिर उसके बाद दोनों हाथों को चाहे तो छाती के सामने ऐसे जोड़ लें और यहाँ पर होल्ड करें कम से कम 5 to 10 सेकेंड्स, जितनी देर भी होल्ड कर सकते हैं ऐसे होल्ड करें। फिर उसके बाद जब अभ्यास कर लें तो राइट पैर को मैट पर ड्रॉप कर दें, फिर उसके बाद लेफ्ट पैर से भी यही काम करें। हमेशा ध्यान रखें, किसी अभ्यास को एक तरफ जब आप कर लें तो दूसरी तरफ भी करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हाथों को छाती के सामने ऐसे जोड़ लिया। अगर आप हाथ को छाती के सामने जोड़ रहे हैं, अभी मैं आपको मैंने ईगल आर्म स्ट्रेच बताया था, तो आप इस तरीके से भगीरथ आसन का अभ्यास करते हुए, अब अगर आप इस तरीके से बिना सहारे नहीं खड़े हो सकते हैं ना, तो दीवार का ज़रूर सहारा लें। तो दीवार के सहारे ऐसे लग जाएं और फिर उसके बाद अपने कमर को दीवार से लगाते हुए इस तरीके से होल्ड करें, ऐसे कमर को हल्का सा हटाएं दीवार से और इस तरीके से होल्ड करें पोस्चर को। तो जहाँ तक हो सके दीवार का सहारा लेके शुरू शुरू में अभ्यास करें। इससे आपके घुटने बड़े फ्लेक्सिबल होंगे, आपकी एंकल्स बड़ी फ्लेक्सिबल होंगी और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किस तरीके से आप फ्लाइंग हॉर्स पोज का अभ्यास कर सकें। एक चीज़ और, जब आप इस तरीके से अभ्यास करें ना, तो पहले तो मैंने छाती के सामने हाथ को रखना आपको बताया है, अब आप क्या करें कि हाथ को ऐसे रैप भी कर सकते हैं, ऐसे इस तरीके से एल्बो को और ऊपर उठाएं ऐसे। तो ये हो गई प्रिपरेशन। और जो आपने भगीरथ आसन का अभ्यास किया इस तरीके से हाथ को रैप करने के बाद, ये हो गया प्रिपरेटरी पोज, या कि फिर इनिशियली बिगनर्स इस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। अब आइए, ये सारे प्रिपरेशन करने के बाद अभ्यास करते हैं फ्लाइंग हॉर्स पोज या वातायनासन का अभ्यास, जो कि हमारे पूरे जननांगों की अच्छी सेहत के लिए, हमारे टेस्टिकल्स के लिए, प्रोस्टेट की समस्या के लिए, यूट्रस से रिलेटेड समस्याओं के लिए, किडनी से रिलेटेड समस्याओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। साथ ही ब्रह्मचर्य को, इस अभ्यास को करते रहने से आपका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होता और काम विकार तो ऐसे छू मंतर होते हैं। अब अपने राइट फुट को लेफ्ट थाई के ऊपर रखें, जैसे मैंने आपको सिखाया था भगीरथ आसन का अभ्यास करने के लिए। तो एक पॉइंट पर अपनी दृष्टि को फिक्स करें, फिर उसके बाद अपने राइट पैर को लेफ्ट थाई के ऊपर रख लें। अगर इसके आगे के स्टेप्स ना कर पाएँ तो एटलीस्ट यहाँ तक तो ये स्टेप करें। फिर उसके बाद क्या करें आप कि धीरे धीरे सामने देखते हुए नज़र को बहुत धीरे 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 अपनी नज़रों को ऐसे मूव करें और फिर उसके बाद अपने घुटने को ऐसे मैट पर ड्रॉप कर दें ऐसे, और फिर उसके बाद इस तरीके से खड़े हो जाएं ऐसे। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको ईगल आर्म स्ट्रेच करना सिखाया था, इस तरीके से ईगल आर्म स्ट्रेच करें और सामने देखें ऐसे। फिर पोस्चर को रिलीज करें, हाथों को घुटने के ऊपर ड्रॉप, अपने मैट पर ड्रॉप करें, खड़े हो जाएं और फिर पैरों को भी
रिलीज कर दें। तो एक तरफ आपने इस आसन का अभ्यास देख लिया, फिर उसके बाद दूसरी तरफ देखें। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि जब आप घुटना मैट पर ड्रॉप करेंगे ना, तो हो सकता है आपकी योगा मैट पतली हो, या कि फिर ऐसा हो कि योगा मैट इतनी पतली है कि घुटने में चुभन हो रही है, तो आप अपनी एग्जिस्टिंग योगा मैट को ऐसे मोड़ लें इस तरीके से, या कि फिर एक अलग से चादर ले लें या टावल ले लें, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं, मेरी जो योगा मैट है इसमें काफ़ी अच्छा कुशन है। अगर आप ये योगा मैट परचेज करना चाहते हैं ना, तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप आसानी से इसको परचेज कर सकते हैं। अब चलिए दूसरी तरफ इसको देखिए। अपने लेफ्ट पैर को उठाया, बॉडी का वेट राइट पैर पर शिफ्ट कर दिया, फिर उसके बाद आपने लेफ्ट फुट को राइट थाई के ऊपर ऐसे रख दिया, ऐसे ऐसे भागीरथासन का अभ्यास हो गया। अब धीरे 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 ऐसे घुटने को मोड़ा, राइट पैर को घुटने से मोड़ा 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 मोड़ा, और फिर दोनों हाथों को ऐसे मैट पर रख दें, और फिर एग्जैक्टली अपने घुटने को ऐसे मैट पर रखें, और फिर उसके बाद अब जब आपका बैलेंस यहाँ पर बन जाए, तो फिर उसके बाद धीरे 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 बैलेंस बनाएं, और फिर उसके बाद अपने हाथों को इस तरीके से रैप कर लें, ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद पोस्चर को रिलीज करें, पैरों को चाहे तो यहीं पर रिलीज कर लें, और फिर उसके बाद उठ जाएं। अब इस आसन का अभ्यास करने के लिए ना कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे आसानी से पोस्चर में जाना, बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम दीवार का सहारा लेंगे। एक बार और ज़रा देखिए, हल्का सा दीवार का सहारा लेकर के भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। राइट फुट को लेफ्ट थाई के ऊपर रखा, एक हाथ से दीवार का सहारा ले लिया, फिर उसके बाद धीरे से देखिए दीवार का सहारा लेते हुए लेते हुए लेते हुए सामने झुकिए, और फिर उसके बाद अपने राइट घुटने को ऐसे मैट पर रख दीजिए, ऐसे, ठीक है ना। फिर उसके बाद दीवार का ही सहारा लेते हुए ऐसे खड़े हो जाइए। अगर आप हाथों को रैप नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों हाथों को छाती के सामने ऐसे, बैलेंस ना बिगड़ने पाए इसीलिए बैलेंस बनाए, सामने देखें ऐसे, और जब लगे कि हाथों को रैप कर सकते हैं तो हाथ को रैप करें ऐसे। खड़े होके तो आपने सीख लिया कैसे करेंगे आप इस आसन का अभ्यास, अब बैठे बैठे किस तरीके से आप आएंगे इस आसन में, दूसरी टेक्निक देखिए। अपने राइट फुट को लेफ्ट थाई के ऊपर रखिए, और हाफ लोटस पोज यानी अर्ध पद्मासन की स्थिति हो गई। फिर उसके बाद दोनों हाथों के सहारे आप क्या करें, दोनों हाथों को ऐसे मैट पर रखें, और अपने लेफ्ट फुट को आपने मैट पर रख दिया, फिर उसके बाद हिप को पुश करें और अपने घुटने को ऐसे मैट पर ड्रॉप कर दें इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से। फिर उसके बाद आप बैलेंस फाइंड करें, जैसे जैसे आपको बैलेंस मिलता जाए ऐसे 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 आराम से उठते जाएं, और दोनों हाथों को या तो छाती के सामने ऐसे रख लें, या कि फिर दोनों हाथों को ऐसे रैप कर दें ईगल आर्म्स इस तरीके से। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ भी आप कर सकते हैं ऐसे, और अपने यहां से डायरेक्टली आ गए, और फिर उसके बाद सामने देखते हुए आराम से अपने हाथ को ऐसे रैप कर लिया, राइट साइड रैप कर लें, लेफ्ट साइड रैप कर लें, एक बार फिर से साइड से देखें इस तरीके से, अपने एक पैर को ऐसे रखा, फिर उसके बाद हाथ का सहारा लेते हुए। इसके लिए आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसे ऐसे इस तरीके से। इसके बाद अपने पैरों को खोल लें और बॉडी के सामने स्ट्रेच करें, इन एंड आउट इन एंड आउट इन एंड आउट, पैरों को मूव करें और पैरों को इस तरीके से टैप करें, फिर उसके बाद रेस्ट करें। ये तो थे कुछ अभ्यास जो मैंने आपको सिखाए। अगर आप चाहते हैं मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना, तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में।
इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को मैं जूम के माध्यम से कंडक्ट करती हूँ, सो दैट देश और दुनिया के किसी भी कोने में आप रहते हो आसानी से मेरे साथ जुड़ के मेरी निगरानी में हर दिन अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन की टेक्निक, साथ ही योगिक क्लिंजिंग टेक्निक जिससे आप अपने शरीर की अंदर से साफ सफाई कर सके, ये सब आप सीखते हैं। अब इन क्लासेस को कौन ज्वाइन कर सकता है? कोई भी इंसान, किसी भी जेंडर का, किसी भी तरीके की बॉडी टाइप हो, बिगनर हो, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी योग का अभ्यास करते हैं फिर भी इन क्लासेस को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको आपकी प्रैक्टिस में और भी ज़्यादा प्रगति देखने के लिए मिलती है, प्रोग्रेस देखने के लिए मिलती है। अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन भी है जैसे डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, पीसीओडी की समस्या, अत्यधिक स्ट्रेस की समस्या, रात में नींद नहीं आने की समस्या, तो ये क्लासेस हाईली बेनिफिशियल हैं क्योंकि ऑलरेडी मेरे जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको स्वास्थ्य लाभ तो मिल ही मिल रहा है, साथ ही उनकी लाइफस्टाइल भी बेहतर हो रही है ताकि एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन से उभरें और फिर वो आगे हेल्थ कंडीशंस उनको परेशान ना करें। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि जूम के माध्यम से कनेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि उनका शेड्यूल बिजी रहता है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता उनके काम का, तो आपके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। मैंने कुछ ऐसे कोर्स डेवलप किए हैं, डिज़ाइन किए हैं, जैसे योगा फॉर बिगनर्स का कोर्स, प्राणायाम और मेडिटेशन का कोर्स, कि आप इन कोर्स को परचेस करने के बाद दिन में कभी भी जब आपको वक्त मिले इन वीडियोस को प्ले कीजिए, अपने घर के कंफर्ट जोन में रह के शुरुआत कीजिए अपनी योगा जर्नी की। इन वीडियोस को बस आपको प्ले करना है और ये वीडियोस मैंने बिगनर फ्रेंडली बनाई है, यानी कोई भी इंसान भी इन वीडियोस को देख के आसानी से योग का अभ्यास कर सकता है। जब आप इन कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं ना तो कोर्स के कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाता है। आई एम श्योर आप इन क्लासेस और कोर्सेज के बारे में और जानकारी ज़रूर जानना चाह रहे होंगे, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर मैं एक WhatsApp नंबर शेयर कर रही हूँ, इस नंबर पर एक WhatsApp करने के बाद आपको मेरी टीम के द्वारा सारी की सारी जानकारी आपके मोबाइल पर भेज दी जाती है। तो देर किस बात की, अभी जाइए मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए या कि फिर एक WhatsApp कीजिए और शुरू करते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है ना वातायनासन का अभ्यास करना, फ्लाइंग हॉर्स पोज का अभ्यास करना। आई एम श्योर आपको टेक्निक अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आप अब निरंतर इस आसन का अभ्यास खुद भी करेंगे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी खूब मोटिवेट करेंगे कि वो इन आसनों का अभ्यास करें जिससे उनके स्वास्थ्य लाभ मिले। आपको करना क्या है, इस वीडियो को देखते देखते आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है जाने से पहले, और ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी ज़रूर करना है। इसके लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को व्हाट्सएप कर दीजिए, उनको फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि उनको भी स्वास्थ्य लाभ मिले। अगर आप चाहते हैं कि आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके हर कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है आप सभी के कमेंट्स पढ़ के। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलती हूँ आप सभी से, तब तक आप सभी अपना खूब ख्याल रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्ते।